वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा राफा, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने आई हूँ कि हमारे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी और काफ़ी सारे लोग ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं रिगार्डिंग लर्निंग। तो सबसे पहले तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल देख रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो आप लोगों को बताएंगे कुछ पैसिफिक इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में थोड़े से लोगों को? बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि दो तरीके की इनकम होती है, लाइक एक एक्टिव इनकम है और एक पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम के लिए आपने कुछ वर्किंग करनी पड़ती है उसके लिए, ताकि आप उस एक अमाउंट सम ऑफ अमाउंट अर्न कर सकें। पैसिव इनकम के लिए ये है कि आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें इस तरीके से, या ऐसी अपनी लाइबिलिटी को यूज़ में लेकर आ जाएँ जो कि आपके बगैर किसी काम की है, आपके लिए मनी जनरेट कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें आपका लाइक कोई प्लॉट भी हो सकता है जो कि आप रेंट पर दे के उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। कोई कार है जो कि आप रेंट पर दे के उस पर अर्निंग कर सकते हैं पैसिव इनकम के तौर पर। अच्छा, इसको कंसिडरेशन में लेते हुए हमने लाइक नोट किया था कि कराची नहीं सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्रेसेस बहुत बाय करते हैं, हर इवेंट पे उनके नए ड्रेसेस आते हैं। तो उस वजह से ड्रेसेस जो है बहुत ही एज ए लाइबिलिटी के तौर पे रखे रहते हैं ड्रेसेस। सो बेसिकली आप जो है अपने ड्रेसेस के ऊपर भी इस तरीके से अर्न कर सकते हैं अगर आप हमें रेंट आउट करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई प्लॉट अपना रेंट पे दिया है, कोई घर रेंट पे दिया है, या आपने कोई कार दी है रेंट पे, तो उसके थ्रू आप एज ए पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने ड्रेसेस पे भी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। आप हमें अपने ड्रेसेस रेंट आउट करें एंड देन आपको पर ऑर्डर की लिहाज से उसका अमाउंट मिलता रहेगा। आपको ये चने, ये तो आपने लोगों को काफ़ी अच्छा आइडिया दे दिया है कि वो किस किस तरह अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैं अगर आपसे ये करूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पैसे रिजेक्ट हो जाते हैं, हम व्हाट्सएप पर पिक्चर भेजना हो फॉरन रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो मायूस हो जाते हैं बड़े। अच्छा देखिए, बेसिकली इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ वो ड्रेसेस रिजेक्ट किए जाते हैं जिसके ऊपर आप इन फ्यूचर 6 मंथ्स में अर्न नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ड्रेस खूबसूरत हो और अच्छा हो और हम उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लैंडर्स के ड्रेसेस के थ्रू क्लोजेट भी अर्न कर रहे होते हैं। तो ये है कि अगर आपके ड्रेस फॉर एग्जांपल कोई अप्रूव नहीं हुआ है, तो इट इज़ इन नेसेसरी कि वो चीज़ जा सकती थी या हमने जानबूझ के रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। जो ड्रेस रेंट आउट नहीं हो सकता, हम सिर्फ वही ड्रेसेस रिजेक्ट कर रहे होते हैं हम। और जो अप्रूवल का क्राइटेरिया वो यही है कि जो फर्दर 6 मंथ्स में ड्रेस रेंट आउट होगा, वही ड्रेसेस सिर्फ ऑनबोर्ड किए जाते हैं, ताकि उससे जो ड्रेस रेंट आउट कर रहे हैं लैंडर उनका भी फ़ायदा हो। अच्छा, बेसिकली हमें डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्स रिसीव हो रहे होते हैं एज ए रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के, अगर आप अपने ड्रेसेस रेंट आउट करना चाह रहे हैं। उसमें से लाइक बहुत ही लिमिटेड ड्रेसेस ऑन बोर्ड किए जा रहे होते हैं, बहुत ही लिमिटेड लैंडर्स को एज ए लैंडर रजिस्टर किया जा रहा होता है। उसका रीज़न ये कि काफ़ी ड्रेसेज ऐसे होते हैं कि वो रेंट आउट होने के काबिल नहीं होते, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो दो तरीके के फॉर्म्स हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि लाइक आप ड्रेसेज अगर रेंट आउट करवाना चाहें तो उसके लिए रखवा सकते हैं। और उसके बाद ये है कि लाइक आपने जैसे ही फॉर्म फिल कर दिया, तो आपको वेट करना है जब तक कि हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट ना कर लें। तो जब हमारी टीम कांटेक्ट करती है, उसके बाद आपसे अगर ड्रेसेज अप्रूव हो जाते हैं, तो एक और एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, वो लैंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप वो फॉर्म फिल करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं एंड देन अगर आपसे ड्रेसेस पिकअप होने होते हैं, जो क्राइटेरिया आपने जो मेथड चूज़ किया होगा उसके थ्रू आपसे ड्रेसेस पिकअप भी हो सकते हैं या आप खुद भी ड्रॉप कर सकते हैं फिर। अच्छा, आपने देखा ना कि लोग हमारे पास डायरेक्ट आ जाते हैं, मैं देखती हूँ कि डायरेक्ट ड्रेसेस लेकर आ जाते हैं और कहते हैं हमारे ड्रेसेस ऑनबोर्ड कर दें, तो उनके लिए कोई मैसेज है आपके? अच्छा, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि पहले हम ड्रेसेस बिल्कुल आउटलेट पे डायरेक्टली ऑनबोर्ड कर रहे थे, बट एट द मोमेंट अभी हमने ये स्टॉप कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। रीज़न ये है कि काफ़ी हमें फुटफॉल यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा था क्लाइंट्स का, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस एक साथ लेकर आ रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा लैंडर्स भी आ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था यहाँ पे। तो जिसकी वजह से हमने आउटलेट पे ड्रेसेस ऑनबोर्ड करना स्टॉप कर दिए। आप डायरेक्टली जो अपने ड्रेसेस व्हाट्सएप के थ्रू ड्रेसेस लैंड कर सकते हैं एंड देन हमें पिक्चर्स के थ्रू ही हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ड्रेसेस सबमिट करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच राफे। अच्छा, लास्ट में अपना लैंडिंग नंबर बताते हैं ताकि लोग फिर आपसे बिल्कुल मैं आपको लैंडिंग जो है कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू आपने कॉन्टैक्ट करना है, जस्ट उसका नंबर है 0330-267-3866। ओके, थैंक यू राफे, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। इंशाल्लाह हम दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर आएंगे। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।